पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन कराने के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सैफ अली निर्धारित समय पर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंची। उन्होंने मुहूर्त के हिसाब से 11:55 पर नामांकन करवाया। उनके साथ काफी संख्या में लोग नामांकन कक्ष तक पहुंच गए। पहले अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और पंचायत राज मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह नामांकन के दौरान उत्साहवर्धन करने पहुंचे थे। दोनों मंत्री नामांकन कक्ष में नहीं गए। भाजपा कार्यकर्ताओं के हुजूम से काफी भीड़ हो गई। सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा खुद सोशल डिस्टेंसिंग भूल गई। देखिए, आज जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन हो रहा है। डॉक्टर सैफ अली हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम दोनों लोग, आदरणीय भूपेंद्र जी, हम और सारे हमारे विधायकगण सब लोग मिलकर के आज उनका नामांकन करा रहे हैं। जो लोग जिला पंचायत के सदस्य बने हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हम लोग भारी मतों से यहाँ पर भी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 75 के 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। मंत्री जी, आज वीकेंड लॉकडाउन है, इतनी भीड़ है, आप खुद मौजूद है भीड़ में, क्या मैसेज दिया आपने यूपी को, जो पब्लिक को, क्या मैसेज? अभी लॉकडाउन आपके हिसाब से होगा, मुझको पता नहीं है लॉकडाउन के बारे में। और आप सब लोग जानते हैं कि अभी जितने जिले उसमें श्रेणी में आते थे उसमें हमारा मुरादाबाद भी उस श्रेणी में है। और हम सब लोग आज यहाँ पर नामांकन करने के लिए आए हैं, इसीलिए जो निश्चित संख्या प्रशासन से तय की गई है वही लोग केवल अंदर गए हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपके सामने खड़ा होकर के बातचीत कर रहा हूँ और हम नामांकन कराने के दृष्टि से ही यहाँ पर आए हैं और मैं मुरादाबाद का प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।